हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में। अभी हम पढ़ रहे हैं रिलेशंस। रिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किए हैं। लास्ट थ्री सेशंस में हमने जाना कि रिलेशन क्या होता है और मैथमेटिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल टर्म्स होती है रिलेशन को जानने के लिए, उनके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ाई कर ली है। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने जा रहे हैं कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेशन। कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, डिस्क्रिप्टिवली इन्हें हम सॉल्व करेंगे। और आज का जो हमारा टारगेट है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे सामने होंगे रिलेशंस के, तो उन्हें कैसे सॉल्व करें। और बाय द वे, अगर ऐसे ही क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्मेट में हमारे सामने हो, तब किस तरह से इन्हें बहुत कम समय में हमें कंप्लीट करना है, इस बारे में जानकारी लेते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के लिए और देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन बनने वाला है। ठीक है, देखिए, जी हाँ, रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं एक बार और क्या है यहां बात करते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन क्यू, ओके, पहले एक बार पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। डिफाइंड बाय आर, आर इज अ रिलेशन, ओके, ए कॉमा बी सच दैट ए बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ क्यू एंड ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ जेड, देन शो दैट। तब हमें बताना है इन तीन बातों के बारे में, इन तीन बिंदुओं पे हमें यहां पे अपनी बात करनी है। ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ आर, देन बी कॉमा ए विल बी एलिमेंट ऑफ आर। इफ ए बी बी सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए सी विल बी एलिमेंट ऑफ आर। तो इस बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले अब चलते हैं हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जी हां, आर इज अ रिलेशन, जो कैपिटल आर है वो यहां रियल नंबर को शो नहीं करता है, वो रिलेशन को शो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ऑन क्यू, जी हां, एक कैपिटल क्यू। उसके बाद बात आती है R is A कॉमा B such that A B both are element of Q and A minus B element of Z। जो हमारा रिलेशन है वो ये है, A minus B element of Z। ठीक है, इस बारे में हमें बात करनी है। वन टू एंड थ्री, इन तीन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो R हमारे सामने है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। दिस इज द A कॉमा B सच दैट A माइनस B एलिमेंट ऑफ Z। ठीक है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। तब अगर हम बात करें, A जो है वो एलिमेंट है Q का और B जो है वो भी एलिमेंट है Q। Q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। Q जो है वो रैशनल नंबर्स का सेट है, मींस परिमेय संख्याएं। जी हां, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है यहां पर क्यों। और फिर जो बात की जा रही है वो जेड की बात की जा रही है। जेड इज सेट ऑफ इंटीजर, जो कि बहुत सामान्य सी बात है, हम जानते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इस तरह से हमें ए माइनस बी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करनी है और फिर इन बातों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए, तो अगर मैं बात करूं, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, ए कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ए माइनस बी। अब ए जो है वो रैशनल नंबर है, मींस ये नंबर जो है यहां पे नेचुरल नंबर भी होगा, होल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, और फ्रैक्शनल फॉर्म वाले जो हमारे नंबर हैं P अपॉन Q फॉर्म नंबर, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, जी हां, तो वो नंबर भी यहां पे होंगे। ठीक है, इस बात को समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक हम इसे नेगेटिव टेस्ट करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल भी है, तो इस बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए मैंने A को कर दिया यहां 2/3 और B जो मैंने बना दिया वो 1/3 यहां पे हमने नंबर को रखा है, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको आगे करते हैं। ए जो 2/3 बी कर दिया हमने 1/3, तो ए माइनस बी अगर हम बनाते हैं यहां पे, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज 1/3, ओके, तो क्या बनने वाला है हमारे पास 1/3।
वन अपॉन थ्री इज एलिमेंट ऑफ जेड, ये जेड का एलिमेंट है क्या भैया, इस बारे में बात की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हमारा है हमारे सामने वो इस तरह से है कि ए बी तो एलिमेंट है क्यू से, मीन्स ए और बी जो है वो रेशनल है, और ए माइनस बी एलिमेंट होना चाहिए जेड का, मीन्स ए माइनस बी मस्ट बी इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो केस मैंने यहां लिया, इस बात को हम समझते हैं, नेगेटिव टेस्ट इसको बोलते हैं हम। तो यहां जो मैंने ये केस लिया, वन अपॉन थ्री इज एलिमेंट ऑफ जेड, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तब क्या हमारी बात जो है वो सही है यहां पर? फिर से मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, यहां पर हमें क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ए और बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ क्यू, ओके, और ए माइनस बी मस्ट बी एलिमेंट ऑफ जेड होना चाहिए। तो ए और बी जो होंगे वो ऐसे नंबर होंगे कि ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, इस तरह के नंबर यहां पर अलाउड नहीं करने हैं, ये क्वेश्चन ने गिवन है। क्वेश्चन ने हमें यह नहीं कहा है कि ए और बी क्यू के एलिमेंट है। तब आप ये चीज हमें चेक करके बताइए कि a माइनस बी जो है वो z का एलिमेंट होगा, या चेक करके बताइए, या a माइनस बी जो है वो z का एलिमेंट नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं करते हैं हम यहां पर। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि a माइनस बी, a और b की वैल्यू बिल्कुल ऐसी है कि a माइनस बी जो होगा वो एलिमेंट ऑफ z होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे यहां पर नंबर हमें नहीं लेने, इज दैट क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्वेश्चन में, तो इतना हमने समझ लिया है, इसे मैं रफ कर देता हूं एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, तो पहली बात जो हम कर रहे हैं यहां पे, a कॉमा a इज एलिमेंट ऑफ z, ओके, z बोला जा रहा है यहां पे, इज एलिमेंट ऑफ z, इतनी बात की जा रही है। तब देखिए आप, r जो है हमारा वो क्या है, r इज रिलेशन a कॉमा b, सच दैट a माइनस b एलिमेंट ऑफ z, ऐसा बोला गया हमें। तो अब अगर हम यहां पर a कॉमा a कर दें तो क्या बन जाएगा, a माइनस a एलिमेंट ऑफ z, निश्चित रूप से ऐसा होगा, क्योंकि a माइनस a क्या हो जाएगा भाई, जीरो, a माइनस a क्या होगा, जीरो, जीरो इज इंटीजर, जीरो इज एलिमेंट ऑफ z, सो दैट फर्स्ट रिलेशन इज ट्रू, जो पहला हमें यहां पे चेक करने के लिए बोला गया है वो ट्रू है। यहां क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट था, वो जो मैंने आपको बताया था अभी अभी, क्या था कि यहां ए और बी जो है वो ए और बी इस तरह के नंबर है तो वो रियल क्यू से हैं, नंबर परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, रेशनल नंबर है, लेकिन ए और बी जो है उनकी वैल्यू इस तरह से है कि ए माइनस बी इंटीजर हमें मिलता है ऑलरेडी क्वेश्चन, ओके, इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ यह बताना है कि क्या अगर हम a और a को करें तो वो z होगा क्या, ठीक है, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो जीरो होगा, जीरो इज एलिमेंट ऑफ r बनने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं हम, a b इज एलिमेंट ऑफ r, देन b a विल बी एलिमेंट ऑफ r, इज ट्रू और फॉल्स, ये चीज हमें यहां बतानी है ना। तो ये बात तो समझ में आ चुकी होगी, यहां पे ये पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो इन क्वेश्चंस में एक बात पे अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्या वो ये है, अब जैसे देखो सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं यहां पे, है ना, तो ए बी जो है, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ये ऑलरेडी गिवन है, ये हमारे पास है पहले से, इसको कोई चेक नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या यहां a और b के साथ नहीं है, a कॉमा b इज एलिमेंट ऑफ r, तो यहां पर इस बात का मतलब क्या होगा, यहां पर होगा कि a माइनस b इज एलिमेंट ऑफ z, ये चीज हमारे पास ऑलरेडी है। अब दूसरी बात वो क्या है, वो ये है कि यहां हमें बताना है b a इज एलिमेंट ऑफ r, ओके, b a इज एलिमेंट ऑफ r, तो a माइनस b क्या है, z है, ओके, a माइनस बी जेड है, तो निश्चित रूप से ये बात तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर b माइनस a करें, सपोज आइए थोड़ा सा मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं, अगर हम यहां पर जो a कॉमा b है, तो a माइनस b, ये माना कि ये हमको क्या मिलता है, यहां पे x मिलता है, ओके, एंड दिस इज एलिमेंट ऑफ z, ये बात हमारी क्लियर है यहां पे, एक बात ये अपन ने पूरी कर ली है ना। अब देखो
अब बीए की बात करते हैं, तो बीए की अगर हम बात करेंगे, बीए की अगर हम बात करते हैं यहां पे, तो बी माइनस ए अगर मैं कर दूं तो वो मुझे कितना मिलने वाला है, माइनस एक्स। ओके, डेफिनेटली एलिमेंट होगा जेड का, निश्चित रूप से ऐसा होगा, बिकॉज इफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ जेड देन माइनस एक्स इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ जेड, एक्स इज इंटीजर माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, तो यहां पर ये वाली बात भी क्लियर होती है कि अगर a माइनस बी एलिमेंट है z का, तो निश्चित रूप से b माइनस ए भी क्या होगा, z का एलिमेंट होगा, z में बिलोंग करेगा। बात सत्य है, बात सही साबित होती है यहां पे। तो सेकंड वाला पार्ट भी हमने कर लिया है। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दूं, ये चीज यहां पे हमें चेक नहीं करना है, ये ऑलरेडी गिवन है, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, ये ऑलरेडी गिवन है, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। ए बी जो है वो गिवन कंडीशन को फॉलो करता है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर बीए की बात करनी है। ओके, यहां पे ए और बी आपको जैसे मैंने बताया कि मैं 1/3 कर दूं या इसको मैं 2/3 कर दूं, तो ये नहीं चलने वाला, ये कंडीशन यहां से हटा दी गई है। नंबर थ्री की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नंबर थ्री की बात करते हैं। देखिए नंबर थ्री में क्या है, आइए अच्छे से इसको देखते हैं हम। नंबर थ्री की बात करते हैं और देखिए किस तरह से है। यहां पर मैं फिर से एक बार, यहां पर फिर से मैं एक बार ये बात करने वाला हूं कि R जो है हमारा वो कैसे है, a कॉमा बी, सच दैट a माइनस बी एलिमेंट ऑफ z है यहां। ठीक है, एक बात हो गई है, इस तरह से ये है, ए बी बॉथ आर एलिमेंट ऑफ q, ए बी बॉथ आर एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर है। अब जो थर्ड हमारा केस है उसमें बोला गया है ए बी एंड बी सी बॉथ आर एलिमेंट ऑफ आर, आर इज रिलेशन, ये रिलेशन है भैया, रियल नंबर नहीं है यहां पर ना। ओके, तो अब आगे की बात करें, ए बी एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, तो हमें क्या बताना है, तो यहां पर हमें बताना है कि अगर ये है और ये भी है तो इन दोनों का एक मिश्रण निकलने वाला है, इन दोनों का एक छोटा सा मिश्रण निकलने वाला है, और वो मिश्रण क्या बनेगा, वो मिश्रण कुछ इस तरह से होगा, सॉरी थोड़ा सा मैंने, तो वो मिश्रण इस तरह से होगा कि एसी भी एलिमेंट बनेगा किसका, आर का। ओके, ये बात है, तो एसी भी एलिमेंट होगा किसका, आर का, ये हमें यहां पे चेक करना है। ओके, ये चेक करना है, क्वेश्चन ने हमें बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ऑलरेडी हमने आपको ए बी और बी सी जो है वो एलिमेंट ऑफ आर गिवन है, ए और बी, बी और सी दोनों इस तरह से है कि ये भी एलिमेंट ऑफ जेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये भी एलिमेंट ऑफ जेड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें क्या प्रूव करना है कि ए सी जो है वो भी एलिमेंट ऑफ आर होगा। तो चलिए इस बात को फिर से समझते हैं, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूं यहां पर, और अब देखते हैं कैसे। तो देखिए जो हमारा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन की मैं बात करता हूं, आर क्या है, आर है ए कॉमा बी और ए माइनस बी इज एलिमेंट ऑफ, अब थर्ड जो हमारा पार्ट है उसमें क्या है कि ए बी जो है वो एलिमेंट है आर, इसकी बात करेंगे। फिर क्या गिवन है, बी सी इज एलिमेंट ऑफ आर, इसकी बात करेंगे। ओके, ये दोनों हमारे पास है, वी हैव इट। फिर उसके बाद क्या बात आती है कि ऐसी एलिमेंट है आर, ये चेक करेंगे। ठीक है, देखो अब ए बी, तो ए माइनस बी इज इंटीजर, कोई भी इंटीजर, एक्स मैंने इसको लेट कर दिया। ओके, इट्स एक्स, ये मैंने लेट कर दिया, एलिमेंट ऑफ जेड, इंटीजर है एलिमेंट ऑफ जेड, यहां बात किया हमने। तो बी माइनस सी इज एन इंटीजर अगेन, ये हमने क्या लेट कर दिया, वाई लेट कर दिया। अब अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, तब a और c की बात करते हैं, है ना, a और c की बात करते हैं, a माइनस सी क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर इस फर्स्ट और इस सेकेंड इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, ऐसे ही रैंडमली मैंने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, तो यहां पर ये काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी किया, तो यहां पे हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई, इट्स इंटीजर, एलिमेंट ऑफ z है ना ये, और ये भी एलिमेंट ऑफ z है, पहले से हमारे पास है। तो बताओ मुझे आप, a माइनस सी इज
इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा? इंटीजर होगा। तो a माइनस सी एलिमेंट ऑफ z होगा या नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। दैट इज द ए सी एलिमेंट r। तो ये वाली बात जो है हमारी ये क्लियर होती है। बताइए समझ में? ऐसे इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो पूरे क्वेश्चन में करना क्या था कि जो हमें ए बी गिवन था, ए बी एलिमेंट ऑफ क्यू गिवन था, उस ए बी एलिमेंट क्यू को हमने अच्छे से फॉलो किया, ध्यान से देखा कि ए और बी बिलोंग टू क्यू है, बट बी माइनस ए या ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है, उसके अकॉर्डिंग हमने बात की। बहुत सूक्ष्म में बातें हैं, बहुत ध्यान से देखना है हमें इन बातों को। पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या है उस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, देखो जी हाँ, अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने की बारी है। पहले तो समझते हैं इसे क्या है। देखिए R, R इज रिलेशन, R बी अ रिलेशन ऑन N, N क्या है यहां पे? नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय R। तो हमारा रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग, अगेन ये तीन जो केसेस हमारे सामने हैं इनके बारे में हमें बात करनी है, ये क्या बोलते हैं, इन्हें चेक करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बात करनी बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे प्यारे यहां पे बातें हमसे पूछी जाती है, हम कर देते हैं। भैया एन क्या हो गया यहां पे? नेचुरल नंबर, एक बात खत्म। आर ए कोमा बी सच दैट ए बी एलिमेंट एन एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। जी हाँ, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। ए बी जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग हमें यहां पे बात करनी है। और कैसे करनी है? ए जो है वो बी का स्क्वायर, ए जो है वो बी का स्क्वायर होगा। जैसे बी की वैल्यू वन तो ए वन, बी की वैल्यू टू तो ए की वैल्यू फोर, बी की वैल्यू थ्री तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी? नाइन हो जाएगी ना, ऐसे बात करनी है हमें। देन जस्टिफाई द फॉलोइंग, पहला ए ए एलिमेंट आर। तो पहले इस बात को समझते हैं, ध्यान दे रहा हूं, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। देखिए आर ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ओके, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ एन, ऐसा गिवन है। ठीक है, अब देखो यहां फर्स्ट केस, ए ए एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा होगा या नहीं होगा इस बारे में बात करें। ए जो है वो बी का स्क्वायर है, तो अब यहां अगर मैं बात करूं, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने नेगेटिव टेस्ट किया था, आपको बताया था कौन से नंबर किस तरह से लेने हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं ए वन कर दूं, या मैं ये मान के चलूं कि मैं ए भी वन करूं और यहां बी को भी मैं वन कर दूं, तो निश्चित रूप से ये बात यहां पे हमें ट्रू लगेगी कि हाँ ये सही है, ऐसा होता है। लेकिन अब जैसे ए कोमा ए, तो वन वन तो इसको फॉलो कर रहा है, वन वन तो यहां पे एलिमेंट होगा निश्चित रूप से। लेकिन अगर मैं यहां टू कोमा टू की बात करूं, तो रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू भी वन करें, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन दिस केस वी हैव टू से दैट वन कोमा वन इज एलिमेंट ऑफ आर, बट इन द केस व्हेन वी हैव टू कोमा टू, तो टू कोमा टू में अगर इसकी बात करूं मैं बी और इसकी बात करूं मैं ए, तो क्या ये टू कोमा टू पॉसिबल होगा? नहीं होगा। इसको नेगेटिव टेस्ट कहते हैं, जब डिजिट कुछ नंबर्स को यूज करके जब हम चेक करते हैं तो उसे नेगेटिव टेस्ट हम कहते हैं इन अ कॉमन लैंग्वेज। ओके, तो अभी यहां पे ऐसा 2.2 के साथ में नहीं होगा। मैं कह सकता हूं कि 2.2 इज नॉट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ एक केस बनता है, या मैं यहां पे नेचुरल नंबर है तो हम 1 के नीचे तो जा नहीं सकते, 0.0 भी हो सकता है। इफ ए बी एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू होता या जेड होता तो हम बोल सकते थे 0.0 भी, लेकिन और तो नहीं हो रहे ना, और बाकी सारे इसको फॉलो नहीं करते हैं, तब हम इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? कि a कॉमा ए इज एलिमेंट ऑफ r, ये पॉसिबल यहां पे नहीं होगा। बात मैंने आपको बता दी है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो b जितना होगा a उसका स्क्वायर होगा। अब b अगर 1 है तो a भी 1 है, बात चलती है यहां तक तो।
ए अगर बी की वैल्यू 2 है तो ए क्या होगा 4 होगा, तो 4,2 इज एलिमेंट ऑफ आर, ये ठीक रहेगा, ये होगा, लेकिन 2,2 तो पॉसिबल नहीं है, 3,3 पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा यहां पे, इसका मतलब मैं ये कहूंगा यहां पे a, इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, तो पहला वाला यहां पे क्या हो जाता है, पहला वाला जो कंडीशन है वो हमारी रॉन्ग हो जाती है, ओके इट्स फॉल्स, क्लियर है बात। पढ़ते हैं आगे, दूसरी बात को चेक करते हैं, सेकंड केस हमें क्या गिवन है, देखिए सेकंड केस की बात करते हैं, देखिए क्या है, ए बी एलिमेंट आर है तो बताना है बी ए एलिमेंट ऑफ आर होगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की, ए बी एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब यहां पे ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर फॉलो होता है, ए और बी दो नंबर ऐसे हैं कि वो इस बात को फॉलो करते हैं, तो हमें चेक क्या करना है, बी कोमा ए इज एलिमेंट ऑफ आर, ये चीज हमें चेक करनी है। अब क्या ये पॉसिबल होगा, देखो कैसे, ये क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां पे क्या है a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ओके तो b जो है, a जो है वो डिपेंड करता है b पे, a इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन b, b 1, a की वैल्यू 1, पॉसिबल होगा कि यहां पे अगर मैं a और b को भी चेंज करूं तो वो भी चलेगा, लेकिन अब इस केस में ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, इसे हमें फॉलो करना है। तो अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल फिर से मैं यहां पे रखूं, अगर मान लीजिए ए जो है, सॉरी बी को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, तो बी की बात करते हैं पहले, अगर बी की वैल्यू यहां पे 2 है तो ए की वैल्यू क्या होगी यहां पे 4 होगी, तो इस तरह से 4,2 एलिमेंट ऑफ आर होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब इसे मैं रिवर्स कर दूं, क्योंकि इसने रिवर्स करवाया, बी ए बी को बी ए करवा रहा है ना, तो अब देखो अगर मैं ए को 4 करूं और बी को हम 2 करें, ए को अगर हम क्या कर दें यहां पे, मीन्स इस बार जो मेरा बी है ना, अभी तो वही लग रहा है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन मैं यहां पे ये बात बोलने वाला हूं, मैं यहां पे जो बात आपको बताने वाला हूं ना वो ये है मेरी, कि अगर अब हम ये काम करें कि बी को 4 कर दें तो क्या ए 2 बनेगा, क्या नहीं बनेगा, स्क्वायर है ना यहां पे, कैसे पॉसिबल होगा, होगा ही नहीं, ये बी और ये ए, नंबर 2 का हमने स्क्वायर किया ए आया। अब अगर इसकी रिवर्स प्रोसेस हम करें यहां पे, अब 2,4, अब देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा क्या, नहीं होगा, वैसे हमने ये बात यहीं पे समझ ली है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भैया कि b इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल कि रिवर्स प्रोसेस में एक नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर हो और फिर किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो पहला नंबर हो, यह हो ही नहीं सकता, असंभव है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नॉट एलिमेंट ऑफ आर। जब कभी भी हमें चेक करना हो तो हमें नेगेटिव टेस्ट करना चाहिए, कुछ ऐसी नंबर, 1,00,000 नंबर्स के लिए कोई बात सत्य हो सकती है, ट्रू हो सकती है, लेकिन एक नंबर के लिए अगर वो ट्रू नहीं है तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, उसे हम रॉन्ग बता देंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे यही हुआ कि जब ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, सॉरी बी की वैल्यू 2 है तो ए 4 है, ओके। अब इसी को मैंने प्रोसेस चेंज कर दी, इसकी रिवर्स ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज करने पे क्या होता है, ये एलिमेंट फॉलो ही नहीं करते हैं इस चीज को, इट मीन सेकंड भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए इसे, तो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, सबसे आसान सॉल्यूशन है ये, सबसे आसान क्वेश्चंस जो है वो लेवल 2 के हैं, लेवल 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, लेवल 2 पे हम अभी। तो अब तीसरा वाला जो हमारा सेशन है यहां पे, तीसरा वाला जो हमारा पॉइंट है, इस बात को हम देखते हैं, ठीक है, आइए इसे रफ कर देते हैं और नंबर 3 के लिए हम चलते हैं। नंबर 3 में क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, दो बातें हमने चेक कर ली है, दोनों बातें यहां पर रॉन्ग हो चुकी है, मीन्स फॉल्स हो चुकी है, इट्स नॉट रॉन्ग, वी हैव टू से इट्स फॉल्स, ओके। अब थर्ड की बात करते हैं, नंबर 3, नंबर 3 में बोला जा रहा है ए बी एलिमेंट आर, बी सी
एलिमेंट आर, तो हमें बताना है एसी एलिमेंट आर होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहां पे क्या बना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, यहां पे क्या बना, ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहां पे क्या बना, बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब हमें यहां पर लेकर क्या आना है, हमें यहां पे बताना है ए इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ये बात हमें यहां पे प्रूव करनी है। ये स्क्वायर है यहां पे ना, टू है ये, तो हमें यहां पे ये बात प्रूव करनी है। तो देखो क्या होगा, पॉसिबल होगा क्या ये, नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको कैसे। मान लीजिए ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो अगर हम b को कितना करें, टू, तो a हमें क्या मिलने वाला है यहां पे, फोर। जब कभी चेक हमें करना होगा, मैं फिर से बता दूं, हम नेगेटिव टेस्ट करेंगे, a यहां पे टू हुआ, सॉरी a b हमने यहां पे टू किया, तो a कितना होगा, फोर होगा, अकॉर्डिंग टू a इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहां मैं बात करूं तो b इज स्क्वायर ऑफ c, तो c मुझे कितना मानना पड़ेगा, रूट ऑफ टू, तो b कितना मिलेगा। अब हम रिलेशन बनाएंगे इसमें, इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे, तो मुझे अच्छे से बताइए क्या ये पॉसिबल होगा। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो क्या ये पॉसिबल होगा, देखो अकॉर्डिंग टू इट, अब जो c है, c कितना हो गया, रूट टू, और a यहां पे क्या मिला, टू, ओके a हमें क्या मिला, टू, और होना क्या चाहिए, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फोर कॉमा रूट टू, यही तो होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि हमें यहां पर जो कंडीशन गिवन है वो ऐसा है कि a, b और c, तो a रिलेट करता है b के साथ, b रिलेट करता है c के साथ, देन वी हैव टू चेक a इज रिलेट टू c और नॉट, ये बात हमें करनी है। तो a b, यहां पे b को मैंने टू किया, ये फोर हुआ, तो अब इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ टू हो गया। तो चार में और रूट टू में हमें बताना है रिलेशन कौन सा है हमारा, a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स इस नंबर का स्क्वायर ये आता है, ये हमें बताना है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है भाई, मैं ये बात कर रहा हूं यहां पे कि 4.2 2.√2 एलिमेंट ऑफ r, लेकिन 4.√2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ r, भैया ऐसा पॉसिबल नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं बनेगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो भी रॉन्ग है, फॉल्स है। दैट क्लियर, ये क्वेश्चन हमने इस तरह से कंप्लीट किया और इसे समझा कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने होंगे तो उन्हें क्या प्रोसेस उनकी होती है, किस तरह से छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखते हुए इनको कंप्लीट करना होता है। यहां जो गिवन कंडीशन होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे, ओके। ये कंप्लीट हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं अच्छे से, पढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, देखते हैं वहां पे क्या है। जी हाँ, फिर से एक उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ये बातें मैंने इसलिए यहां पे की है क्योंकि आप अच्छे से सीख पाए, ये मेरा एक उत्तरदायित्व मेरा बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत अच्छे से मैं सारी बात एक्सप्लेन करूं, जिन बातों को थ्योरेटिकल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें एज ए पॉइंट, एज ए आर्टिकल मैंने रिप्रेजेंट किया उन्हें, और जिनके बारे में हमें ऐसा करना होता है कि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से वो बातें सिखाई जा सकती है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार करता हूं और फिर हम इन्हें समझ पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या। अच्छा, ये तो मैं आपको वैसे समझा भी सकता हूं, आप वर्बली इसको अगर मैं बताऊं तो आप डेफिनेटली, मेरा विश्वास है कि आप कर लेंगे इसे। आइए देखते हैं क्या है। आर इज रिलेशन ऑन द सेट जेड, जेड क्या हो गया, ओके गिवन इंटीजर है ना, इंटीजर हो गया यहां पे, डिफाइंड बाय एक्स वाई एलिमेंट आर, ओके एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर, सच दैट एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, ओके एन क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट, इस बारे में मैं बात करूं, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन पार्ट वन टू थ्री बहुत आसान है क्योंकि
सिर्फ अगर एक बात को हम समझ जाते हैं तो इन दोनों का आंसर तो हम कुछ सेकंड्स में ही निकाल देते हैं। आइए कैसे देखते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, पूरा हमें समझना पड़ेगा फिर करना पड़ेगा। लेकिन पर्टिकुलर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहां से हमें आइडिया मिल जाएगा। देखिए, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, x माइनस वाई, या इसे रफ कर दें एक बार थोड़ा सा और फिर हम अच्छे से इसे पूरा पढ़ते हैं क्या है। देखिए जो सॉल्यूशन है, हाँ जी, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एन हमें मिलता है यहां पे c, यानी कॉन्स्टेंट, या मैं q भी बोल सकता हूं, विच इज क्वेश्चेंट, ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं यहां पे। तो ये बात हमारे सामने है, तो वी कैन राइट x माइनस वाई एन डॉट सी, ये भी हम यहां पे बता सकते हैं, ऐसा हमने कर दिया है। अब देखिए फर्स्ट केस, x कॉमा x के बारे में बात करनी, x कॉमा x के बारे में बात करनी कैसे होगा, देखिए यहां हमने x माइनस एक्स किया, बिकॉज गिवन कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, तो x माइनस एक्स किया मैंने, ये कितना हो गया जीरो, एंड जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स, ओके, ऐसा है ना ये। अब x माइनस वाई क्या है, n डॉट c, c इज क्वेश्चेंट, ओके, n इज डिविजिबल, डिविजर, सॉरी डिविडेंट x माइनस वाई, तो क्या हम यहां बता सकते हैं क्या इसे n डॉट c, यहां बिल्कुल कर सकते हैं, यहां पे या तो n जीरो होगा या c जीरो होगा, तो n तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिविजर है, तो डिविजर को तो जीरो करने वाले नहीं हम। और जनरली अगर मैं बात करूं, जब कभी जीरो आ जाए और डिविजिबिलिटी की बात आ जाए तो हम कहेंगे इट्स डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। तो यहां x माइनस एक्स का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या मिला हमें, जीरो, वो रिजल्ट क्या मिला हमें, जीरो, ओके, x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स अपॉन एन, जीरो अपॉन एन विच इज जीरो, तो मैं बोलूंगा यहां पे कि हाँ x कॉमा x इज एलिमेंट ऑफ अवर रिलेशन, दैट इज सॉल्व। x और x यहां पे क्या है, इंटीजर है, ये बात भी ध्यान रखिए, x इज एलिमेंट ऑफ z है भैया, ये बात भी हमें ध्यान रख के चलनी है, ऑलरेडी गिवन है ये बात, ठीक है। अब सेकंड जो है, सेकंड में कंडीशन है कि एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r है, y x एलिमेंट ऑफ r है, तो हमें बताना है कि एक्स वाई जो है वो भी एलिमेंट ऑफ z होना होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए इस तरह से होगा ये क्वेश्चन, मैं बताता हूं आपको। हां देखिए, यहां बोला गया है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, इसे ध्यान में रख के चलना है हमें। तो सेकेंड जो पार्ट है हमारा, उसमें बोला जा रहा है एक्स वाई एलिमेंट ऑफ r, ओके, और एक्स वाई जो, x और y जो है ना, अलग अलग इंडिविजुअल जो है वो z से है, तो x कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ r आ रहा है, देन वी हैव टू प्रूव y कॉमा x एलिमेंट ऑफ r होगा, ठीक है। चलिए अब जैसा कि हमें मालूम है x माइनस वाई अपॉन n कोई भी नंबर मिल रहा है हमें c, तो ये चीज ऑलरेडी गिवन है और ये ट्रू है, तो y और x की बात करते हैं। तो देखो ध्यान देना, y माइनस एक्स अपॉन n, ये हमें क्या मिलेगा यहां पे, माइनस c, डिवाइड तो पूरा होगा, डिवाइड तो कंप्लीट होगा ना, ये x और y जो है वो अलग अलग दोनों इंटीजर है, तो निश्चित रूप से ये तो पूरा पूरा यहां पे बिल्कुल ट्रू होगा। फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ माइनस सी का, यहां अगर हमने x माइनस वाई को n से डिवाइड किया, और ये पूरी तरह से कितनी बार डिवाइड होता है, c टाइम डिवाइड होता है,
तो y माइनस एक्स के केस में ये माइनस सी होगा, तो बिल्कुल हम बता देंगे। और यहां पे डिविजिबिलिटी ही पूछी है, ओके, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर की कोई बात नहीं है, डिविजिबिलिटी पूछी है। तो अब हम यहां पे क्या बोलने वाले हैं, जी हां, y x इज एलिमेंट ऑफ r, y x इज एलिमेंट ऑफ r, ये बात हमें यहां पे कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से जो सेकेंड कंडीशन है बिल्कुल ट्रू है, यहां पर हमने इस बात को सॉल्व कर दिया है। ध्यान इस बात का रखना है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, बस इसके बाद में इसके आगे पीछे एक सेंटीमीटर भी हमें नहीं सोचना है, ओके। अब थर्ड, एक्स वाई वाई जेड एलिमेंट ऑफ r, ये गिवन है, यहां कोई किंतु परंतु किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो हमें बताना है x z इज एलिमेंट ऑफ r, वेर x y z एलिमेंट ऑफ z, जी हाँ ये इंटीजर है, एक्स वाई जेड जो है वो इंटीजर है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए, कैसे करना है देखते हैं। हमारी कंडीशन क्या है यहां पे, हमारी कंडीशन है यहां एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय एन। तो देखिए फर्स्ट जो थर्ड पार्ट है वहां पे पहली बात है, बोलते हैं कि x माइनस वाई और y माइनस जेड ये दोनों हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मीन्स x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, इसे c1 कर देते हैं, और ये नंबर जो है वो भी क्या है, डिविजिबल बाय n है। मीन्स अगर मैं बात करूं यहां पे तो x माइनस वाई अपॉन n हमें c1 मिलता है, कंप्लीटली डिविजिबल है। यहां बात करें तो y माइनस जेड अपॉन एन ये क्या मिलता है, c2 मिलता है, ओके। तो ये बात तो क्लियर है, अब क्या करना है वो ध्यान दीजिए। नंबर है x y z, x y के साथ रिलेट करता है, y z से रिलेट करता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब बताना है x जो है वो z के साथ रिलेट करेगा, ठीक है, मींस हमें बताना है कि x माइनस जेड अपॉन एन वो भी क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय एन। तो यहां पे बताना है कि ये नंबर डिविजिबल होगा। तो अब ध्यान देना मेरी बात पे, जो बात मैं बता रहा हूं अब ध्यान दीजिएगा, है ना, अच्छे से देखिए, x माइनस वाई एन से डिविजिबल है, सी वन आता है, y माइनस जेड एन से डिविजिबल है, सी टू आता है। तो इसे मैंने कहा फर्स्ट और इसे मैंने कहा सेकेंड, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, है ना, यहां पे कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है कि मैं ऐड करूं ही, यहां मैंने इसको कर दिया है। तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड अपॉन एन सी वन प्लस सी टू, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिलता है इसके बाद हमें, x माइनस वाई अपॉन एन, इस सी वन सी टू को मैंने क्या लिखा, थ्री। देखिए जब हम किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन जो आता है वो इंटीजर आता है, यहां पे भी इंटीजर, सी वन सी टू इंटीजर है। जैसे मैंने 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 मिला, 36 को 6 से डिवाइड किया, 6 मिला। तो अगर अब मैं 5 प्लस 6 करूंगा तो मुझे 11 मिलने वाला है, ओके। तो बिल्कुल ऐसा ही यहां पर है, तो एक्स माइनस वाई अपॉन एन ये मुझे क्या मिलता है, सी थ्री, विच इज एन इंटीजर। जब एक्स माइनस वाई को हमने एन से डिवाइड किया और हमें एक इंटीजर मिला, इट मीन x, क्षमा कीजिएगा यहां पे z है भाई, थोड़ा जल्दीबाजी कर दी मैंने, यहां पे z है ना। तो x माइनस जेड को मैंने n से डिवाइड किया तो हमें एक इंटीजर मिला विच इज c3, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है यहां पे। क्या रिक्वायरमेंट है हमारी यहां पे, कि अगर x माइनस वाई डिविजिबल है n से, y माइनस जेड डिविजिबल है n से, तो x माइनस जेड भी डिविजिबल होना चाहिए n से, और वो चीज हमने कंप्लीट कर दी है। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, कि हमारा थर्ड रिलेशन भी ट्रू है, हमारा रिलेशन थ्री बी थ्री थर्ड पॉइंट जो है वो यहां पे ट्रू है। तो यहां पे आपने जाना कि जब एक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेशन बनाए, रिवर्स रिलेशन बनाए और एक तरह से ट्रांजिटिव बन जाए, जी हाँ ये टॉपिक ट्वेल्थ क्लास में आता है, जहां पे हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक की बात करते हैं, मीन्स इक्वलेंस रिलेशन की बात करते हैं, आगे बढ़ेंगे तब बिल्कुल पर्टिकुलर इन टर्म्स की हम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं इन सब बातों को, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं। तो हमने इन चीजों को समझ लिया है अच्छे से,
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तीनों क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, समझ में आए होंगे। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए इन बातों पे, सारे टॉपिक आपके क्लियर होंगे। जी हाँ, देखिए ए इज 3.5, बी 7.11। अब जो रिलेशन है वो देखते हैं। आर ए कॉमा बी, सो दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए। ए जो है वो हमें कहां से पिक करना है, 3 और 5 से। बी कहां से लेना है, 7 और 11 से, ठीक है। और किस बात को फॉलो करना है, किस बात को फॉलो करना है, देखिए मैं बता दूंगा आपको एक बार। वी हैव टू फॉलो ए माइनस बी इज ऑड नंबर, है ना, इस बात को हमें ध्यान देना है, बस और कुछ भी नहीं। तो चलिए बात करते हैं ए माइनस बी। ए हमें 3 और 5 से यहां से होना होगा, हमारी वैल्यू जो ए की जो वैल्यू होगी। तो चलिए इसे हम एक काम करते हैं, सर्कल डायग्राम बनाते हैं, इसकी मैपिंग करते हैं, मैपिंग से हम जल्दी कर पाएंगे इसको। तो यहां पे मैंने ये लीजिए, देखो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो ए में कौन है, 3.5, और यहां पे 7 और 11 है। तो ए माइनस बी इज ऑड, क्या रिलेशन है, ए माइनस बी इज ऑड, ये बात फॉलो करनी है हमें, है ना। देखिए कैसे होगा। अब मैं बात करूं 3 और 7 की, 3 को अगर मैं 7 के साथ में अटैच करूं, थ्री को 11 के साथ अपन कनेक्ट करें यहां पे, तो a माइनस बी इज ऑड होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या होने वाला है, 3 और 7 की जो मैं बात करता हूं तो इनका जो डिफरेंस होगा वो इवन होगा, है ना, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो डजंट मैटर, इवन ऑड की बात हो रही है, इवन ऑड पे हमारा फोकस होना चाहिए। तो 3 का और 7 का डिफरेंस तो इवन होगा, विच इज -4 होगा। 3 और 11 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी क्या मिलने वाला है, इवन मिलने वाला है, और वो कितना है, -8 होगा। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पे 5 और 7 की, 5 और 11 की, तो तब यहां पे क्या बोलना पड़ेगा, देखो 5 और 7 की अगर मैं बात करूं तो 5 और 7 पे भी क्या मिलने वाला है, हमें -2 मिलेगा, और वो कैसा है, इवन है। 5 और 11 की अगर मैं बात करूं तो 5 और 11 से भी हमें क्या मिलने वाला है, -6 मिलने वाला है, और वो भी कैसा है, इवन है। तो ऑड नंबर जो है, रिक्वायर ऑड नंबर, ए माइनस बी इज ऑड, ऐसा होना चाहिए। ऑड नंबर हमें मिला क्या, नहीं मिला, ऑड नंबर हमें प्राप्त नहीं होता है। तो ये कैसा हो जाएगा, एम्प्टी रिलेशन, बस इतनी सी बात इसमें हमें करनी है, ठीक है। ए यहां से एलिमेंट होगा, ए यहां से एलिमेंट होगा, बी यहां का एलिमेंट होगा, और फिर इस बात को हमें फॉलो करना है। तो यहां पे ये एम्प्टी रिलेशन बनाता है, इसे हम प्रूव कर चुके हैं, चेक कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्या है देखते हैं। जी हाँ, नंबर 5, ए इज 1 2 3 4 5 6। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय आर, ए बी, ए बी एलिमेंट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, फाइन डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर। बिल्कुल अपन इसको कैसे भी कर सकते हैं भैया, जैसा हमें करना है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम मैपिंग करके भी कर सकते हैं, मैपिंग ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आसान होती है, जल्दी ऐसे क्वेश्चंस हमें सॉल्व होते हैं। डोमेन और रेंज फिर हमें बतानी है, तो चलिए मैपिंग की बात करते हैं। देखिए यहां पे हम लिखने वाले हैं सारे एलिमेंट ऑफ ए, यहां पे हम लिखने वाले एलिमेंट ऑफ ए, यहां लिखने वाले एलिमेंट ऑफ बी। तो यहां पे कौन कौन है, अच्छा ये ए टू ए पे है भैया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और अब जो बात है वो ये है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, मतलब A कौन है यहां पे, A डिविजर है B का, इन नंबर्स का। तो 1 रिलेट करेगा यहां, 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 कैसे, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, जो 1 2 3 4 5 है वो इससे नंबर से, यहां से, ये सारी इमेजेस जो है वो प्री इमेज से डिविजिबल होनी चाहिए, ऐसा है यहां 1 के साथ, ऐसा है यहां पे। बात करते हैं 2 की, थोड़ा सा इसमें मुझे डिफरेंट कलर लेना होगा।
अब बात करते हैं टू की, तो टू किस किस को डिवाइड करेगा? देखो अपना तो डिविजर है, फोर का डिविजर है, सिक्स का डिविजर है, बात खत्म होती है। इसके बाद बात करते हैं हम थ्री की, तो थ्री किसका डिविजर है? ओनली सिक्स और थ्री। फिर बात करते हैं फोर की, तो फोर जो है वो किसका डिविजर है? सिर्फ फोर के लिए। फिर बात करते हैं हम यहां पे फाइव की, तो फाइव किसका डिविजिबल है? डिविजर है फाइव का। और बात करते हैं यहां पे सिक्स की, तो सिक्स किसका डिविजर है? ओनली सिक्स का। तो डोमेन और रेंज बतानी है। अब बताइए आपके सामने क्या हुआ, इधर से कोई एलिमेंट फ्री है क्या? नहीं है। इधर से कोई एलिमेंट फ्री है क्या? नहीं है। तो डोमेन भी क्या हो गया? सेट ए हो गया। रेंज भी क्या हो गया? सेट ए हो गया। ओके, तो डोमेन जो हुआ, डोमेन को पर्टिकुलर में लिखूं तो क्या होगा? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और रेंज की बात करें तो भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ये पूरा हमारा डोमेन हो गया, ये पूरा हमारा रेंज हो गया। जो रिलेशन था वो डिफाइन था सेट ए टू ए, सेट ए टू ए। इस तरह से ये पांचों क्वेश्चंस आज हमने जो सॉल्व किए हैं, यहां से हमने रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा ऊपर पहुंचे, इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया और जाना कि जब कुछ वेरिएशंस हमारे सामने रिलेशंस के क्वेश्चंस में आएंगे तो उन्हें कैसे हमें अच्छे से उन्हें कैच करना है, कैसे उन्हें सॉल्व करना। ठीक है, इट्स क्लियर। तो अब नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ, बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मैं क्लास को विराम देता हूं, वाणी को विराम देता हूं, और मिलते हैं नए सेशन में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।